हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। देखिए आज बात करेंगे हम राजस्थान का सामान्य परिचय के अंतर्गत फैक्ट्स की। हमने सामान्य परिचय देख लिया था राजस्थान का, इसमें कौन से फैक्ट बन सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं पॉसिबल, इनकी बात करेंगे आज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? उत्तर होगा इसका, आंसर होगा इसका भरतपुर। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर राजस्थान का प्रवेश द्वार, इसका उत्तर होगा भरतपुर। भरतपुर जिले को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आगे हम बात करें तो देखिए प्रश्न संख्या दो, महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। प्रश्न है अपना महुआ के पेड़ पाए जाते हैं, इन द सेंस कि महुआ के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, देखिए एम मिस टाइप है, उदयपुर की जगह उदयपुर है, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में। उत्तर है महुआ के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। तो प्रश्न नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो का जो आंसर होगा ये उदयपुर और चित्तौड़गढ़। महुआ के पेड़ यहाँ पे दो जिलों में पाए जाते हैं ज़्यादातर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। आगे हम बात करें, देखिए राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा? राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा? 1956 विक्रम संवत में। 1956 विक्रम संवत में, देखिए ये वर्ष नहीं है, ये विक्रम संवत 1956 है, और विक्रम संवत 1956 में अकाल राजस्थान में पड़ा था, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको कहा जाता है छप्पनिया अकाल। तो छप्पनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष पड़ा? विक्रम संवत 1956 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? राजस्थान में मानसून की वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? आंसर होगा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए पांचवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की राजस्थान में। तो यह है गुरु शिखर की, सॉरी राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई जो है कितनी है, 1722। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर को। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर को। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, राजस्थान की सन सिटी है जोधपुर शहर। आगे हम अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, राजस्थान की आकृति है, राजस्थान की आकृति किसी है? विषम कोण, विषम कोण चतुर्भुज के आकार के समान। राजस्थान की आकृति है विषम कोण चतुर्भुज। तो सिंपल सी बात है, राजस्थान की जो आकृति है ये है विषम कोण चतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो जैसलमेर का। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? जैसलमेर का। ठीक है, किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? जैसलमेर का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर टोटल है ये। ठीक है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिले की बात की जा रही है तो यह है सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? रोहिड़ा। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? रोहिड़ा। ठीक है, राजस्थान का सागवान जो है कौन सा वृक्ष कहलाता है? रोहिड़ा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? दक्षिणी हिस्से में। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दक्षिणी हिस्से में। राज्य के राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन? सागवान के वन आते ही राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र। आगे देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा में। जून माह जब आता है तो वे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सूर्य लंबवत चमकता है। तो जून के महीने में सूर्य जो है किस जिले में लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है, राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले हैं। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर जो हैं, ये दो जिले जो हैं पूर्ण मरुस्थल वाले जिले हैं। नेक्स्ट है 15, राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो देखिए, दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में। राजस्थान में के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है? जयपुर में। जयपुर में सबसे ज़्यादा तहसीलें हैं, ठीक है। सर्वाधिक तहसीलों की संख्या राजस्थान में जयपुर में। नेक्स्ट है 17, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? तो ये धौलपुर जिले में होता है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय किस जिले में? धौलपुर में, क्योंकि सबसे पूर्वी जिला ही कौन सा राजस्थान का? धौलपुर। तो इसी में तो सूर्योदय होगा जो सबसे पूर्व की ओर होगा। तो धौलपुर जिला जो है पूर्व में सबसे पूर्वी जिला है राजस्थान का, इसीलिए सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? धौलपुर जिले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? तो यह है सिरोही में। उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? सिरोही में। उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? तो ये सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में किन वनों का अभाव है? शंकुधारी वन। राजस्थान में किन वनों का अभाव है? शंकुधारी वनों का, ठीक है। राजस्थान में किन वनों का अभाव है? शंकुधारी वन। नेक्स्ट है 20, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? लगभग 2/3, 2/3 भाग जो है राजस्थान का ये रेगिस्तानी है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना भाग है वो रेगिस्तानी, कितना भूभाग रेगिस्तानी है? लगभग 2/3 या 2/3 भाग, ठीक है। नेक्स्ट चले आगे बात करते हैं 21st, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाने वाला सर्वाधिक विषैला सर्प है जिसको क्या कहते हैं? पीवना सर्प। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाने वाला सर्वाधिक विषैला सर्प, तो यह है पीवना सर्प, उत्तर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है 22, राजस्थान के पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र जैसलमेर का समगांव। राजस्थान का जो है पूर्णतया वनस्पति, जिसमें बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है, जैसलमेर का समगांव है। राजस्थान का पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र जिसमें वनस्पति नहीं है बिल्कुल भी, यह है जैसलमेर का समगांव, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो श्रीगंगानगर में जो है, राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सबसे ज़्यादा होता है। सूर्य की किरणों का तिरछापन राजस्थान में सर्वाधिक श्रीगंगानगर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 24, राजस्थान का क्षेत्रफल इसराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल जो है इसराइल के क्षेत्रफल कितना गुना बड़ा है? तो ये 17 गुना बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, नेक्स्ट है 25, राजस्थान की 1,070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का नाम है? रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान की 1,070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का नाम क्या है? राजस्थान की 1,070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है
कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से छूती हुई गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर। राजस्थान कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑप्शन के अनुसार राजस्थान के किन जिलों को छूती हुई निकलती है? नाम बताने हैं कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों को छूकर निकलती है। तो देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होती हुई गुजरती है, दो जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 27। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये जयपुर जिला है। ठीक है, नेक्स्ट है 28। थार के रेगिस्तान की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? 58%। थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? 58%। नेक्स्ट 29। राजस्थान के क्षेत्रफल में रेत के विशाल लहरदार टीले को क्या कहते हैं? धोरे। देखिए एक तो इम्पोर्टेंट बात है कि राजस्थान थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? 58%। 58% राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले को क्या कहते हैं? धोरे। नेक्स्ट है 30। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित है। राजस्थान में एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित है आकल गांव जैसलमेर। जैसलमेर का आकल गांव जो है राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क है जहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य का एकमात्र जीवाश्म पार्क जैसलमेर के आकल गांव क्षेत्र में है। तो ये फिनिश हुए अपने फैक्ट्स जो सामान्य राजस्थान के सामान्य परिचय पर आधारित है। जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट राजस्थान का जो है फ्रेशर बंदा है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो राजस्थान की में, उसको ये 30 क्वेश्चन जो है अपने माइंड में एक बार देख के वापस से रिवाइज करना चाहिए। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान सबसे पहले, सॉरी सामान्य परिचय जो है जनरल इंट्रोडक्शन सबसे पहले उसको क्लियर होना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है राजस्थान कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की।